Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि एक्सपोर्ट करने में कितना मार्जिन मिलता है या टैक्स की कितनी मगजमारियां है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना है। आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो या मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर हो, आपको किसी भी टाइप का टैक्स नहीं भरना। जीएसटी की बातें करते हैं, पर एक्सपोर्ट करते हो तो आपको जीएसटी का पूरा बेनिफिट मिलता है जो आपको भरना नहीं है, आप चाहे मैन्युफैक्चर हो या मर्चेंट हो। दूसरी बात, गवर्नमेंट की अलग अलग टाइप की स्कीम्स चलती है जिसके अंतर्गत 2% से लेकर 7% जैसा एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलता है। क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खड़ी कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हो, इसलिए गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स देती है जो रेंज के 2% से लेकर 7% जैसा बेनिफिट देती है। उसके अलावा जो आप बैंक से सीसी लेते हो, सीसी लिमिट यूज करते हैं हम लोग, राइट, उसके उस ऊपर भी आप ही की सीसी लिमिट, आप ही की बैंक आपको एक्सपोर्ट के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड करती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि चाइना एक्सपोर्ट बहुत सारा कर रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट भी उतना ही आपको एक्सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट देती है। आप किसी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट भी करते हो, उसका भी बहुत सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करने के लिए आए, ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करें। आज चाइना वर्ल्ड का नंबर वन कहा जाता है, उसका रीजन ही वही है क्योंकि उन्होंने डे वन से सोचा कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, और ऐसा कुछ थे पहले से, बट उन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई, लोगों को जागरूक किया कि एक्सपोर्ट करो, फॉरेन एक्सचेंज कमाओ, दुनिया को अपना मार्केट समझो। अगर दुनिया को मार्केट समझना चालू करोगे तो आपके लिए विशाल दुनिया पड़ी हुई है जहां पे आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। गवर्नमेंट खुद चाह रही है, आज सब लोग चाइना का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, और चाइना का इकलौता ऑल्टरनेटिव इंडिया ही है, और उसी चीज को, उसी अपॉर्चुनिटी को आज ही एनकैश करने की जरूरत है। क्योंकि आज इंडिया के पास 65% यूथ है जो पूरे विश्व में किसके पास नहीं है। अगर ये 65% लोग सिर्फ अपना 1% भी अपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर योगदान देना चालू करें तो 125 करोड़ की जनता है हमारी। 125 करोड़ प्रतिशत एफर्ट्स लगेंगे तभी जाके ये देश बदल पाएगा। हमारा भी सपना वही है कि लोग जागरूक हो, एक्सपोर्ट के बारे में जाने, और दुनिया के कोने कोने में जाके एक्सपोर्ट करें। अगर दूसरा कोई कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो इसी बेनिफिट को समझो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लो और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो।